नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जो लक्ष्मी प्राप्ति के धन प्राप्ति के उपाय बताते हो वो उपाय सरल अच्छे उपाय होते हैं, कारगर भी होते हैं। अब ये तो एक ईमानदारी की बात है कि भाई सबके लिए तो नहीं होते। अब आप कहोगे कि सबके लिए नहीं होते क्यों, उपाय तो हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए, सूर्य की रोशनी सबके लिए, तो उपाय सबके लिए क्यों नहीं। उपाय सबके लिए है, कर सब को ही सकते हैं, लेकिन कारगर नहीं होने का एक बड़ा कारण ये होता है कि मैं आपको पानी सप्लाई कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, लेकिन आप पानी छलनी में ले रहे हैं। छलनी होती है ना, छलनी जिसमें छेद छेद होते हैं, और आपने वो सामने फैला दिया। कोई बाल्टी फैलाता है, कोई टब फैलाता है, कोई गिलास, कोई लोटा, लेकिन कोई अगर छलनी लेके सामने खड़ा है तो मैं कितना ही पानी दे दूं क्या फर्क पड़ता है उससे। वो तो पानी जाएगा तो जाएगा, नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। उपाय कितना ही सुंदर हो, कितना ही सरल हो, उपाय कारगर ही होते हैं। उपाय हमेशा अच्छी चीज होते हैं, अच्छा पथ प्रदर्शन करते हैं, लक्ष्मी के आने के मार्ग खोलते हैं, दरिद्रता के जाने के मार्ग खोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक उपाय हम आने का बताते हैं और आपने जाने के पीछे से 10 उपाय कर रखे हैं, तो उपाय कारगर नहीं होगा। आज हम ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा होता है कि उपाय करने पर भी हमें उपाय का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हम पहले से खड्डे खोद के रखते हैं अपने घर में। लाख कोशिश करने पर भी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, बरकत नहीं होती, तो उसके कारण बनते हैं। तो उन कारणों पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे लें तो जो उपाय बताऊंगा, चाहे मैंने रूप चतुर्दशी का उपाय बताया, साधना बताई है, या कोई सिद्धि बताई है, दीपावली की बताई है। दीपावली को जब मैं YouTube पर नहीं था तब भगवान की कृपा से मुझे बहुत सारे लोगों को फोन पर ये बात बतानी पड़ती थी कि आप ऐसा करो, और एकदम निस्वार्थ भाव से करता था। अब तो चलो फिर भी रेवेन्यू कुछ बनता है, आप देखोगे तो शायद कुछ कुछ पैसा भी जुड़ेगा। अभी तक तो कुछ पैसा वैसा मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ पैसा जुड़ेगा। लेकिन जब मैं YouTube पर नहीं था तब तो मैंने निस्वार्थ भाव से मैं काम करता था और एकदम लोगों को बताता था कि भाई आप दीपावली को ऐसा करो तो आपके घर में बरकत होगी। उनमें से 80% लोगों का वापस रिप्लाई आता था कि महाराज आपने जो बताया, कमल जी आपने जो बताया एकदम बढ़िया बताया, उसके बताने से हमारे जीवन में वास्तव में बरकत हुई, वो साल वास्तव में बढ़िया गई। अब अगले साल उनसे फोन से संपर्क नहीं हो पाया तो एक अलग बात है, हुआ तो मैंने बता दिया। तो आज मैं आपको ये चीज बताता हूं कि क्या ऐसी चीज है जो आपके घर में यदि रहती है तो लक्ष्मी आती ही नहीं, चाहे कोई उपाय कर लो, और आती भी है तो वापस चली जाती है, जिससे खाली मुंह दिखाई करने के लिए आई और वापस निकल गई। तो माता महालक्ष्मी को टिकाने के लिए भी इन चीजों का घर में नहीं होना चाहिए जिनकी आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यदि घड़ी आपकी किसी भी प्रकार से बंद हो गई है, खराब हो गई है, और आप अभी भी उसको लिए लिए झूल रहे हैं घर में, और मोह है कि 3 रुपए की घड़ी है, 250 की है, 500 की है, फेंक कैसे दें, ऐसा कैसे कर दें, तो मत फेंकिए। 250 की जगह 2.5 लाख, 25 लाख ये आने से रुक जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे। बंद घड़ी यदि आपके घर में पड़ी रहती है तो आपकी तकदीर भी बंद घड़ी की तरह बंद ही पड़ी रहती है, खुलती ही नहीं, आगे ही नहीं चलती, कितने उपाय कर लो कोई फायदा नहीं मिलता। पहली बात यह है कि बंद घड़ी हो घर में तो फटाफट या तो उसको ठीक करवाइए, उसमें सेल वेल कुछ बैटरी वैटरी कुछ हो गई हो खराब तो आप फटाफट उसको ठीक करवाइए, और ठीक नहीं होती हो तो उसे विदा कीजिए, दक्षिणा देकर उसको विदा कर दीजिए। भाई तुम अब जाओ, अब तुम हमारे योग्य नहीं, हम तुम्हारे योग्य नहीं, तुम कचरे के ढेर में जाओ या किसी को फेंक दो, घर के बाहर फेंक दो, वो रही तो आप परेशान में रहोगे। दूसरी बात, यदि आप अपने घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखते हैं, कोई भी चीज टूट गई है, फूट गई है, तो ठीक कराओ भाई। फर्नीचर में जो टूटा फूटा फर्नीचर है, इन सब चीजों जो आज मैं चीजें बता रहा हूं ना, इनमें क्या होती है, ऊर्जा अटकती है। ऊर्जा अटकती है तो ऊर्जा आगे नहीं बढ़ती। आप सब, हम सब इस धरती पर ऊर्जा से चलने वाली मशीन है। हमारा पूरा घर ऊर्जा से
संचालित रहता है, ऊर्जा का संचरण उनमें रहता है, और ऊर्जाएं जहां जहां अटकना शुरू कर देती है हमारे काम भी वहां वहां अटकना शुरू कर देते हैं। तो यदि घर में टूटा हुआ फर्नीचर है किसी भी वजह से, कोई खटिया टूटी हो, टेबल टूटी हो, कोई कुछ भी टूटा हो, फर्नीचरिंग कुछ भी फर्नीचर टूटा हुआ हो घर में, तो वो आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करता है। ऊर्जा को ब्लॉक करने से भाग्य ब्लॉक होता है, भाग्य ब्लॉक होने से भाग्य चलता नहीं, भाग्य चलता नहीं तो लक्ष्मी आती नहीं। ये बात, तो टूटा हुआ फर्नीचर जो भी है या तो उसे कबाड़ वाले को दे दें या फिर उसको फटाफट ठीक करवाएं। नहीं काम का टूटा हुआ फर्नीचर लक्ष्मी को रोक अवरुद्ध करता है, घर में टिका के नहीं रहने देता। तो आप सबसे पहला काम यह करें कि टूटा हुआ फर्नीचर, और ध्यान दें कि कहाँ कहाँ टूटा हुआ फर्नीचर, उसको फटाफट कारपेंटर को बुला करके ठीक करवाएं। ये आपकी प्रथम ड्यूटी बनती है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि रसोई घर जो आपका होता है, रसोई घर में पहले तो साफ सफाई रहनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर पवित्र होता है। ध्यान रखना, रसोई घर पवित्र होता है और उसकी पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना जरूरी होता है। तो उसमें झाड़ू कहाँ रखना, नमक कहाँ रखना, आपने झाड़ू बराबर निकाला कि नहीं निकाला, पोछा किस तरह से देना चाहिए, पूरी बात आप ध्यान में रखें। रसोई घर जितना ज्यादा पवित्र रहेगा उतना ही माता अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी, उतनी सरस्वती की कृपा रहेगी, उतनी लक्ष्मी की कृपा रहेगी। तो किचन में अगर कोई भी बर्तन टूटे फूटे मुचे सुचे हैं, खराब हैं, काम के नहीं हो, तो उनको बाहर फेंको, कबाड़ में दे दो, आप उनको लिए मत बैठे रहो। किचन में जो बर्तन खराब है उनको अगर लिए बैठे रहते हो तो आपके द्वारा जो भोजन बन करके लोगों तक जाता है और लोग जो उस भोजन को करते हैं उनमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी, टूटापन, फूटापन पैदा होने लगता है, और उससे क्या होता है, लक्ष्मी अवरुद्ध हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी तो तभी आएगी जब आप पूर्णता पर हो। आप ही पूर्णता पर नहीं हो, आपने अपने अंदर टूटी फूटी चीजों के द्वारा अपने अंदर भोजन को भेजा है, तो आपके अंदर भी ऊर्जा धारा टूटने फूटने लगती है। क्योंकि ऊर्जा वहां भी थी जहां टूटे हुए बर्तन थे, और ऊर्जा वहां भी है जहां आप भोजन कर रहे हो। तो टूटे हुए बर्तनों से लग करके आया हुआ भोजन आपके अंदर टूटी हुई ऊर्जा को पैदा करता है, ऊर्जा को तोड़ के रख देता है। ऊर्जा टूटी, आदमी टूटा, आदमी गया काम से, फिर वो कमा नहीं पाता ढंग से। इसलिए ध्यान रखें कि किचन जो रसोई घर है आपका, ये महापवित्र है, पाकशाला है, इसको पूरा ध्यान रखें, अपवित्र ना होने पाए किसी भी प्रकार से। और टूटे फूटे बर्तन तो हरगिज किचन में नहीं रहने चाहिए, चाहे कांच का कप टूटा हो या गिलास फूटी हुई हो, कुछ भी हो, फेंक दो बाहर। ज्यादा सोचो मत, आप ज्यादा सोचने में लग गए इस ये तो महंगा लाए हैं, अभी कैसे फेंक दें, थोड़ा दिन और दिखाते हैं, टूटा फूटा तो नहीं, ये आपको पूरे घर को तोड़ फोड़ के रख देगा। आप समझ गए मेरी बात को, शायद समझ गए होंगे, फेंक ही देना चाहिए, अच्छी बात है। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसी चीज है जो घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान की कोई भी मूर्ति हो, भगवान की हो या किसी और की हो, मूर्ति अगर आपके घर में कोई भी टूटी फूटी है, कोई भी टूटी फूटी प्रतिमा है, कोई भी टूटी फूटी मूर्ति है, तो पूरे घर के लिए अशुभ है। पूरे घर में लक्ष्मी का रत्ती भर वास नहीं रहने देगी। जहां लक्ष्मी आ गई वहां से उसको वापस भेजने की तैयारी में लग जाएगी। तो ध्यान रखें, घर में टूटी हुई मूर्तियां कभी नहीं रखें। आगे पांचवी बात बताता हूं। पांचवी बात में यह है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में आईने टूट जाते हैं और हम चेंज कर रहे, क्या है, मूर्ति फोटो लगी हुई थी टूट गई, ये अलमारी का ग्लास टूट गया, करा लेंगे के चक्कर में बहुत महंगा पड़ जाता है। उस करा लेंगे, आज करा लेंगे, कल करा लेंगे के चक्कर में इतना महंगा पड़ जाता है, हम सोच नहीं सकते। सारी लक्ष्मी अवरुद्ध हो जाती, आती ही नहीं घर में, प्रवेश ही नहीं करती। टूटा हुआ कांच रिफ्लेक्टेड नहीं कर पाता, टूटा हुआ कांच चीज को दो खंडों में विभक्त कर देता है, तो आई हुई लक्ष्मी को भी विभक्त कर देता है। घर में यदि गलती से आ भी गई तो टुकड़े कर देता है उसके, और टुकड़े कर देता तो टुकड़ों में वो निकल जाती, लक्ष्मी का स्थिर वास नहीं हो पाता। जो पहले से टुकड़ों में आ रहा है उसका स्थिर वास कैसे होगा। स्थिर वास के लिए तो ये जरूरी है कि एक सी तस्वीर दिखे, और ऐसा ही कांच होना चाहिए, चाहे ट्रांसपेरेंट कांच हो चाहे ट्रांसपेरेंट नहीं हो, मुंह देखने वाला कांच, कांच हमेशा ही साफ सुथरा और पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा कांच नहीं होना चाहिए। यह आपकी लक्ष्मी को तोड़ता है, फोड़ता है और घर से बाहर निकालता है।
मैं छठी बात बता रहा हूं, छठी बात सुनिए, घर में बिजली का जो सामान होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो, वो अगर खराब है घर में तो वो किसी काम का नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का सामान खराब है तो तुरंत राहु का दोष पैदा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का खराब सामान घर के लोगों का दिमाग खराब करके रखता है, क्योंकि राहु अगर पैदा होता है वहां तो दिमाग खराब होना स्वाभाविक है। और राहु खराब होता, राहु खराब स्थिति में प्रकट होता है तो अचानक हानियां करवाता है, अचानक नुकसान करवाता है। ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे नुकसान होने लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सामान कोई भी घर में खराब हो तो अचानक हानि होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लोग नहीं चेंज करते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन जो चेंज करते हैं उनको चेंज कर लेना चाहिए। फटाफट ऐसे सामान को कबाड़ घर में फेंक देना चाहिए। आगे सातवीं बात बता रहा हूं, उसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी जूता चप्पल आपके घर में फटा पुराना नहीं होना चाहिए। जूता चप्पल यदि फटा पुराना है तो आपके लिए बेहद हानिकारक है, और इतना हानिकारक है कि आप सोच नहीं सकते। जूते चप्पल से आपके घर में जो कोई बकाया लक्ष्मी होगी वो भी निकल जाएगी। यदि ऐसे जूते चप्पल पहन के निकलते हैं, आप पहन के निकलते हैं तो पूछो ही मत, वो तो गई लक्ष्मी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का अजर अमर वास हो तो जूते चप्पलों पर भी ध्यान दीजिए, और जो भी रैंक में जूते चप्पल हो उनको देखिए, कोई टूटा हुआ हो फूटा हुआ हो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है, सारे घर की लक्ष्मी को खराब करता है। ये सब चीजें हैं जिन पर यदि आप ध्यान देंगे तो जो मैं उपाय बताता हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के, भगवान की कृपा से, वो भी काम आएंगे। नहीं तो भाई मेरे को तो वीडियो चलाना है, सीधी बात है, मैं तो जो भी हो देता रहूंगा, आप करते रहो, फायदा मिलेगा नहीं, फायदा नहीं मिलेगा तो बस महाराज झूठे। महाराज झूठा नहीं है, झूठे ना महाराज झूठा ना आप झूठे हो, झूठी बीच की स्थिति है जो आपने लाद रखी है, उनके कारण आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण सिद्ध नहीं हो पाता, लेकिन सारी बातें यूट्यूब के छोटे से वीडियो में बताना मुश्किल होता है। बहुत सारी बातें मैं करूंगा, आगे भी करूंगा, बहुत सारी बातें समझाऊंगा। जो कोई भी समझना चाहता है, ध्यान देना चाहता है, वो आराम से दे सकता है और लाभ उठा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।